आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। आर्थिक और फिर राजनीतिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एक के बाद एक कई बार उन पर हो रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट आप जानिए, मरियम नवाज ने इमरान खान पर बोला है करारा हमला, इमरान खान का गेम ओवर हो गया है। ये मरियम की तरफ से कहा गया, वो कह रही हैं कि पाकिस्तानियों की जान दहशतगर्दी से छूट गई है। ये इमरान खान पर सीधे सीधे आरोप है। 9 मई की हिंसा को लेकर हमलावर पाकिस्तान में बड़े हुक्मरान हैं। इमरान खान पर गलत तरीके से हिंसा फैलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि गरीब के बच्चों पर मुकदमा और खुद चैन से हैं इमरान, यानी कि जो भीड़ सड़कों पर आई थी उनकी तरफ इशारा करते हुए मरियम ने कहा कि गरीब लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं और खुद आराम से इमरान खान बैठे हैं। वो कह रही है डर की वजह से घर के अंदर दुबक गए हैं इमरान खान, इमरान से परेशान होकर अब पीटीआई एक एक नेता छोड़ने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इमरान के जो बेहद करीबी थे, बेहद वफादार थे, उन नेताओं के जरिए भी एक एक करके पीटीआई को अलविदा कह दिया गया है, किनारा कर लिया है, इमरान से भी किनारा कर लिया है, पीटीआई से भी। ये वही लोग हैं जो इमरान खान का साथ देने का दम भरते थे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि सड़क पर संग्राम होगा, इमरान खान का साथ दिया जाएगा, ये वही लोग हैं जो आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब हालात बदलते हुए देखकर एक एक करके इमरान खान के करीबी, इमरान खान के बेहद वफादार नेता पीटीआई को अलविदा कह रहे हैं और इन सब मामलों को लेकर मरियम निशाना साधते हुए इमरान खान पर, और उनका ये कहना है कि खुद तो आप चैन से बैठे रहे लेकिन आपने गरीब लोगों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, गरीब लोग आज मुकदमे झेल रहे हैं और आप आराम से बैठे हैं। पीटीआई के कई बड़े नेता पीटीआई छोड़ चुके हैं, किनारा कर चुके हैं इमरान खान से, क्योंकि जानते हैं कि सीधे सीधे जो हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई थी ये टक्कर पाकिस्तानी सेना से, और पाकिस्तानी सेना से टक्कर लेने का मतलब उल्टी गिनती शुरू होना। इसीलिए वक्त रहते समझदारी भरा फैसला पीटीआई के बड़े नेता कर चुके हैं। तारीख हो ये तब्दीली जिस गंदे नाले से निकली थी वहीं जाके डूबेगी इंशाल्लाह। गरीब का बच्चा मुकदमे भुगत रहे तुम्हें अपनी हाइकिंग याद आ रही, शर्म करो। जिसने उनके दिमागों में बारूद भरा उसके अपने बच्चे लंदन में आराम से अयाशी कर रहे हैं। तुम्हारा वक्त भी दूर नहीं है इंशाल्लाह, तुम्हारा वक्त खत्म। पाकिस्तान में इसलिए सुकून है कि ये फितना, ये दहशतगर्द, ये इंतशार, ये अब डर के अपने घर में छुपा बैठा है, इसकी जमात इसका साथ छोड़। उमर अता बंदियाल साहब, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, ये नहीं हो सकता कि मुकदमा भी आपके खिलाफ हो और बेंच में भी आप बैठे हो, ये नहीं हो सकता। मुकदमा सास के खिलाफ हो और दामाद ये मुकदमा सुन रहा हो, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी टिकट लेकर कोई अवाम में गया तो अवाम भी उसका वही हाल करेंगे जो 9 मई को तुमने पाकिस्तान का हाल किया था। मरियम निशाना साधते हुए इमरान खान पर, और इस बीच शहबाज सरकार ने इमरान को शराबी और नशेड़ी बता दिया है। पूरी खबर क्या है आप जानिए। जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तो मेडिकल टेस्ट हुआ था और उसी को लेकर पाकिस्तान सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री हैं अब्दुल कादिर, वो कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही मैं बताता हूँ कि इमरान खान पक्के नशेड़ी हैं। उनका यूरिन टेस्ट हुआ था जिसमें की भारी मात्रा में कोकीन और शराब पाई गई है, यानी ये बताता है कि मानसिक तौर पर भी बीमार है इमरान खान और भारी तौर पर वो नशा करते हैं। 9 मई को गिरफ्तारी के बाद इमरान का मेडिकल टेस्ट हुआ था। गिरफ्तार हुआ था, किम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, मेडिकल भी हुआ। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है, 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वॉज सम इम्प्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इन सारी चीजों से हटके ये कोकेन एक तरफ रखें, शराब एक तरफ रखें, फ्रैक्चर का ड्रामा धोखा एक तरफ रखें, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जब इसको हमने बहुत देर तक मुआयना किया, इससे बातचीत की, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है, सवालिया निशान लगता है उस पे।
पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, इमरान खान की जो हालत है उस पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और लगातार पाकिस्तान के हालात पर पिछले कुछ दिन से नजर बनाए हुए हैं। देवनाथ सर, इमरान खान के जो पार्टी के बड़े चेहरे थे वो ये कह रहे थे हमले कर रहेंगे आजादी, इमरान खान का साथ देंगे बढ़ते दम तक, लेकिन ये क्या हुआ? बात तो इमरान खान की उल्टी गिनती की चल रही थी, लेकिन एक के बाद एक कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, इमरान से भी किनारा कर लिया है, इसे कैसे देखें? हाँ रचना, इसमें कोई शक नहीं है कि काफी सारे लीडरान ने अब इमरान खान से पत्ती कन्नी काट ली है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं। वो डेफिनेटली अंडर प्रेशर हैं, उनको पाकिस्तान की आर्मी और ISI येन के इन प्रकार डरा रही है, तो वो अब डूबती हुई नैया को छोड़ के भाग रहे हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी होता है, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देख सकते हैं, शेयर मार्केट में भी देख सकते हैं। शेयर मार्केट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे ही किसी को पता चलता है कि मार्केट डूब रहा है या कंपनी डूबने वाली है, कुछ लोग हमेशा छोड़ के भागते हैं, ये एक बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि फिलहाल इमरान खान की जो पार्टी है PTI, वो बहुत जबरदस्त तरह से जनता के अंदर पॉपुलर है। इसमें कोई शक नहीं कि आज इलेक्शन करा लो या अगस्त के महीने में जब वहां पर 5 साल असेंबली के, नेशनल असेंबली के पूरे हो जाएंगे तब इलेक्शन करा लो, इमरान की पार्टी ने बहुमत से जीतना ही जीतना, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो लीडरान छोड़ के चले गए हैं, अगर इलेक्शन डिक्लेयर हुए आप देखेंगे इनमें से आधे लोग तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो पार्टी छोड़ के भागे हैं लीडरान, PTI छोड़ के भागे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनको PMLN में जगह मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी PDM जो उनका एक गठबंधन है, PDM की कोई पार्टी इन भागे हुए PTI के नेताओं को शरण दे देगी, नहीं। तो जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होंगे ये ज्यादातर लीडर ही वापस आ जाएंगे। एक और चीज जो पाकिस्तान में अक्सर होती है कि दल बदल जो है वो काफी कॉमन है, तो इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि ये जो छोड़ के भाग रहे हैं ये सिर्फ शहरों में हो रहा है, वहां जो गांव हैं या पृष्ठभूमि में जो छोटे छोटे शहर हैं या जो सूबे के जो जिला डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, वहां पे इमरान खान की पार्टी का बहुत ज्यादा दबदबा है। जो लोअर लेवल के छोटे लेवल पर जो इमरान खान के लीडरान हैं वो नहीं दौड़ रहे। कौन दौड़ रहे हैं? जिनको कि पाकिस्तान की आर्मी ने आर्मी एक्ट के तहत डराया है, यानी वो लीडरान जिनकी कहीं पे फोटो आ गई कोर कमांडर घर में घुसते हुए, वो लीडरान जिनकी कहीं पे फोटो आ गई GHQ पे पत्थर मारते हुए। लेकिन ऐसा सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास लाहौर में एक दो जगह हुआ, बाकी जो 90% पाकिस्तान है वहां पे PTI लीडर्स पे कोई मुकदमा नहीं बन रहा, क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत जो अब PTI के जो लीडरान जो जिनकी फोटो कोर कमांडर के घर में नहीं है या जिनकी वीडियो GHQ के सामने नहीं है, उनके ऊपर कोई भी आर्मी एक्ट का मुकदमा नहीं बन रहा, उनके ऊपर नॉर्मल आगजनी का मुकदमा बन रहा है जो कि आर्मी कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। आर्मी कोर्ट इस में बात का जिक्र तो मरियम भी कर रही थी, कह रही थी जो गरीब लोग हैं वो मुकदमे झेल रहे हैं और इमरान आराम से चैन से बैठे हुए हैं। लेकिन देवनाथ सर, एक बात समझाइए जरा, इमरान खान जब जब एड्रेस करते हैं तो बड़ी बात करते हैं आवाम की, बड़ी बात करते हैं मुल्क की, मुल्क से प्यार की, वो कहते हैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, PTI नहीं छोड़ूंगा और आखिरी दम तक मैं यहीं पर रहूंगा। एक तरफ वो कहते हैं आज चुनाव करा लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी कि आवाम कैसे नकार देगी इन लोगों को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं यूरिन टेस्ट हुआ है, ये तो भारी मात्रा में शराब पीते हैं, कोकीन लेते हैं, यानी नशेड़ी एक तरीके से घोषित कर दिया है, और जिस तरीके के इल्जाम अभी इमरान खान झेल रहे हैं, आवाम क्या सोच रही होगी? वो तो दोनों तरफ बातें देख रही होगी, सुन रही होगी, लेकिन अगर किसी का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ने का दावा कर दिया जाए, किसी को नशेड़ी बता दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी मालूम है कि वो जो बोल रहे हैं वो बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च मसाला लगा के बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक दो बार, आप अगर उनका सेंटेंस, उनका स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने बता दिया कि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, ये प्रोविजनल रिपोर्ट है। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान उसके थोड़े घंटे पहले भी अपने परिवार के साथ और अपने पार्टी सपोर्टर्स के साथ थे, और इस ब्लड टेस्ट के कुछ घंटे के बाद वो वापस, यूरिन टेस्ट के कुछ घंटे के बाद वो वापस अपने पार्टी सपोर्टर्स के साथ, अपने परिवार के साथ हैं। तो पार्टी देख रही है, पार्टी में जो नेता लोग हैं वो देख रहे हैं कि इमरान खान नियर नॉर्मल हैं। हाँ,
उनके बिहेवियर में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखता है, वो किसी भी लीडर पे होगा अगर पूरा एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। जहां तक यूरिन रिपोर्ट की बात है, ब्लड सैंपल्स की बात है, देखिए ये प्रोविजनल होते हैं और इनको एक लीगल तरीके से लिया जाता है। कोई भी डॉक्टर कहीं पे भी किसी का खून ले ले और बोले ये तो नशेड़ी है और यूरिन में ट्रेस आ गया है, जब तक कि वो अंडर लीगल सर्कमस्टांसेस ना लिया गया हो तब तक उसका कहीं पे भी कोई प्रावधान नहीं है। और वो नशेड़ी है कि नहीं ये तो पाकिस्तान की जनता डिक्लेयर करेगी ना। हेल्थ मिनिस्टर, आज अगर हेल्थ मिनिस्टर साहब में इतना जोश है, शाहबाज शरीफ में इतना जोश है, अभी आप मरियम नवाज का स्टेटमेंट दिखा रही थी, अगर मैडम में इतना जोश है तो आज इलेक्शन करा देना। अगस्त में असेंबली भंग हो रही है 5 साल के बाद, जनरल असेंबली, अक्टूबर तक इलेक्शन करा देना अगर उनमें इतना जोश है। हाँ। जनता को मालूम है कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, और जनता जानती है कि दूध और पानी को अकेला अलग अलग कैसे रख के वोटिंग करनी है। जी मतलब आप कह रहे हैं कि जनता के हाथ में सत्ता की चाबी है और सत्ता जिसे मिलनी है वो जनता ही तय करेगी, जनता ही चुनेगी, और जनता आज के इन सभी हालातों को देख रही है, समझ रही है। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आर्थिक संकट हुआ तो भी पाकिस्तान की आवाम ने झेला, अब जब राजनीतिक संकट है, एक क्लास से ऊपर के लोगों पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन पड़ता है आम इंसान पर, जो पाकिस्तान में वक्त वक्त पर दिखाई भी देता है। न जाने क्या होगा पाकिस्तान का भविष्य। बहुत शुक्रिया अभी के लिए यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान के हालात खराब हैं और अब हर दिन के साथ, इनफैक्ट हर घंटे के साथ इमरान खान के लिए तो हालात और ज्यादा बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा भविष्य, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे भी इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा